जय हिंद जय हिंद। मुश्किलें आती हैं राहों में ये कौन नहीं जानता, मुश्किलें आती हैं राहों में ये कौन नहीं जानता, लेकिन जीतता वही है जो हार नहीं मानता। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का मौका है, हमारे सर की गढ़ुरा फेके डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज एक और बंदा हमारे साथ उपस्थित है जो SSC JD का फिजिकल क्वालिफाई करके आया है। सभी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद आप सभी को। हम इनसे परिचय लेंगे और आप सभी के साथ इनका अनुभव साझा करेंगे ताकि आप लोग भी अपने फिजिकल में इनके अनुभव और सर के अनुभव का यूज करके आगे बढ़ सकें। तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रताप सिंह डांगी है, ग्राम खानपुर का रहने वाला हूँ। तो आप गरुणा फिजिकल डिफेंस एकेडमी और RP तोमर सर से कब से जुड़ी हुई है? लगभग हमें सर से जुड़े हुए 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आपने SSC JD का फिजिकल क्वालिफाई किया? हाँ। तो सबसे पहले जब आप जुड़े थे उस टाइम पे आपकी जो टाइमिंग है, जो जैसे 5 किलोमीटर गिरने का, वो पूरी आती थी या आती थी तो कितने टाइम में आती? पहले तो 5 किलोमीटर टाइमिंग तो बहुत दूर की बात है, दौड़ना ही कठिन होता था, क्योंकि जब हम सर के साथ आए थे पहले दिन, हमने याद है जब रनिंग किया था, बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर तक दौड़ पाए थे। स्थिति उस टाइम बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर सर ने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कराई और थोड़ा बताया टेक्निक के किस तरीके से अपन को तैयारी करने के, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो जो उनका वो तैयारी करवाने का तरीका है वो सबसे बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया बेसिक है, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। और उनका सबसे अच्छा चीज़ हमें ये लगा कि वो फिजिकली तो करवाते हैं उसके साथ साथ मेंटली प्रिपरेशन भी करवाते हैं कि कैसे अपन को प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे अपन को मेंटल तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे जो अपना प्रेशर है उसको आने नहीं देना अपने ऊपर, ये सब चीज़ें सर ने करवाई। तो आप 5 किलोमीटर की जो रनिंग है लगभग 1.5 महीने का जो आपको टाइम मिला है, इस टाइम में आपको कितने दिन में ऐसा लगने लगा था कि ठीक है अब हम यहाँ पर सेटिस्फाई हैं और हम अपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे? लगभग 1 महीने। 1 महीने में आपको लगने लगा था? और आपको आप एक बार मतलब यही बता दीजिए, आप आज जहाँ भोपाल गए थे ना, भोपाल में आपकी वो हुई थी, पेपर हुआ था, फिजिकल टेस्ट हुआ था, तो आपकी वहाँ पर एंट्री कितने बजे हुई थी और आपकी वहाँ पर टाइमिंग फिर कितने बजे आई थी, शुरू से बता दीजिए पूरी। एंट्री हमारी जो हुई थी, हम वहाँ 4:20 पर पहुँच गए थे और लगभग 4:45 बजे के समथिंग, 4:40 के समथिंग एंट्री हो चुकी थी और मेरी जो है 5:50 पर दौड़ शुरू हुई थी। 5:50 पर दौड़ हुई थी, तो उसमें आपकी जो टाइमिंग है वो 5 किलोमीटर की टाइमिंग वो कितने में आई थी? वो लगभग 22 मिनट की समथिंग आई थी। 22 मिनट की समथिंग आ गई थी। चलिए, और आपका भी MP पुलिस का भी फिजिकल टेस्ट है, तो उसकी तैयारी जो है आपकी कैसी क्या चल रही है? MP पुलिस की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, सर की कृपा से जो सर ने तैयारी करवाई है उसके हिसाब से टाइमिंग भी आने लगा, अब लगभग 2:40 तक आने लगा है और उससे अभी तो लगाए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आपको शायद, और 2-5 सेकंड कम हो गया। और गोला भी लॉन्ग जंप जो है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को ऐसा लगता है कि लॉन्ग जंप आ जाती है मगर उसमें फाउल आउल जो ज़्यादा हो जाते हैं, तो लॉन्ग जंप ऐसा लगता है कि नहीं अभी, फिर भी लॉन्ग जंप में आपका क्या चल रहा है अभी? लॉन्ग जंप मेरा बहुत अच्छा है, उसमें कोई परेशानी नहीं, आराम से मेरी 15 फुट आ जाती, 15 से ऊपर भी आ जाती है, और गोला भी ठीक है 22 फुट तक आ जाता है। और जो बच्चे जिनके अभी फिजिकल में थोड़ा ऐसा लग रहा है उनका कि वीक है या फिर क्वालिफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आगे अभी जो डेट आने वाली है MP पुलिस की, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए? मैं तो अभी ये मानता हूँ कि अगर उनके पास 10 दिन भी हैं, अगर उनके पास 10 दिन भी हैं तो आप वो सर के साथ आएँ, संपर्क करें और 10 दिन में ही सर उनकी वो जो कमजोरी है उसको परख लेंगे और आराम से उनको जो है प्रिपेयर करा देंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, बस थोड़ा उनका साथ दो, आप मेहनत करो, जो वो कराते हैं उनके साथ आप मेहनत करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। सर आप बहुत बढ़िया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर गरुणा फिजिकल एकेडमी की तरफ से प्रताप को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जो इन्होंने भोपाल में चल रहे SSC JD को क्वालिफाई किया है और इन्होंने हम सभी की मेहनत को बहुत सराहनीय तरीके से जो उत्तीर्ण होकर वहाँ से आए हैं, तो सभी को लग रहा है कि अब सब अपने मनोबल को सब हाई करे हैं और एक बार फिर एकेडमी की तरफ से इनको हार्दिक बधाइयां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद।